यदि आप सिविल इंजीनियर है और करियर के बारे में सोचते हैं, करियर के बारे में सीरियस है और हमेशा सोचते रहते हैं कि कौन से सॉफ्टवेयर्स में करूँ, कौन से स्किल्स में डेवलप करूँ, तो इन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैं आज आपको देने वाला हूँ। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो के जरिए मैं देने वाला हूँ। 5 सॉफ्टवेयर्स ऐसे बताऊंगा जिसको आप करके आप नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हैं, अच्छी जॉब पा सकते हैं, एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं एज ए सिविल इंजीनियर। 5 सॉफ्टवेयर्स फॉर सिविल इंजीनियर्स। पहला, आप ऑटोकैड कर सकते हैं। ऑटोकैड करके आप आपके क्षेत्र में प्लान्स, एलिवेशंस और अलग अलग प्रकार के ड्राइंग्स बना सकते हैं। ऑटोकैड को आप स्किप नहीं कर सकते। कोई भी सिविल इंजीनियर जब पास आउट होता है तो उसको ऑटोकैड आता है, इसी प्रकार से देखा जाता है और ये मैंडेटरी सॉफ्टवेयर है हर सिविल इंजीनियर के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर, रेविट आर्किटेक्चर। रेविट आर्किटेक्चर में आप 3D मॉडल्स बना सकते हैं और इतना ही नहीं दोस्तों, रेविट आर्किटेक्चर में आप नंबर ऑफ ब्रिक्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी बिल ऑफ मटेरियल निकाल सकते हैं, बिल ऑफ क्वांटिटी निकाल सकते हैं, यानी किसी भी स्ट्रक्चर का, किसी ही प्रोजेक्ट का आप कोई भी मटेरियल आराम से उसमें निकाल सकते हैं। कितने टाइल्स लगने वाले हैं, कितना पेंट लगने वाला है, कितने डोर्स, कितने विंडोज, किसी भी प्रकार का मटेरियल हो, बिल्डिंग मटेरियल हो, रेविट आर्किटेक्चर में आसानी से आप निकाल सकते हैं। तीसरा सॉफ्टवेयर जो बेहद इंपॉर्टेंट है वो इस्टीमेशन एंड कॉस्टिंग का है। ऑटोडेस्क का क्वांटिटी टेक ऑफ हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जरिए आप किसी भी बिल्डिंग का इस्टीमेशन और कॉस्टिंग बना सकते हैं, निकाल सकते हैं। फोर्थ सॉफ्टवेयर जो बेहद नेसेसरी लगता है मुझे, वो है स्ट्रक्चरल डिज़ाइन का स्टैड प्रो। स्टैड प्रो करके आप बिल्डिंग के स्ट्रक्चरल डिज़ाइन और स्ट्रक्चरल एनालिसिस कर सकते हैं। स्टैड प्रो इतना बेहतरीन सॉफ्टवेयर है कि उसमें सारे IS कोड्स इनबिल्ट होते हैं। आपको बस IS कोड सिलेक्ट करने हैं और ऑटोमेटिकली आपके बीम डिज़ाइनिंग आपको दिखने लगेगी, स्लैब डिज़ाइन तक आप उसमें कर सकते हैं, स्टेयरकेस का डिज़ाइन हो, यहाँ तक कि फाउंडेशन का डिज़ाइन, ब्रिज डिज़ाइन भी आप स्टैड बीवा में कर सकते हैं। और फाइनली माय फेवरेट MSP यानी माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। ये सॉफ्टवेयर करके आप प्लानिंग इंजीनियर के तौर पर किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। अगर आपने वो कंसेप्ट सुना है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या सुना है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, तो ये दोनों MSP के ऊपर निर्भर है। MSP एक बेहतरीन टूल है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के लिए। ये 5 सॉफ्टवेयर कीजिए, आप मास्टर बन जाओगे बिल्डिंग डिज़ाइनर का। अगर आप इंटरेस्टेड है, अगर आप चाहते हैं ये कोर्सेज करना, मैं आपको बताऊंगा कहाँ से करना है। नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल कीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक मैं दे रहा हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, उस पर कॉल कीजिए और आज ही अपने आप को एनरोल कीजिए इस बेहतरीन से करियर में।